नरेंद्र मोदी ने देश के 112 आकांक्षी जिलों में से 5 की समीक्षा की। आकांक्षी यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिमडेगा के डीसी सुशांत गौरव भी जुड़े और विकास योजनाओं, जिले में चल रही जनित योजनाओं के क्रियान्वयन और चुनौतियों की जानकारी पीएम को दी। आदिवासी बहुल जिला होने की वजह से कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं यहाँ पर चल रही है। इन योजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा कराने के लिए प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं। डीसी ने पीएम को बताया कि 25,000 एकड़ में रागी का उत्पादन किया जा रहा है, 1500 परिवारों को 5,000 एकड़ भूमि पर सोलर लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई सुविधा दी गई है। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर काम किए जा रहे हैं। सिमडेगा में खेल और हॉकी के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से यहाँ पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार की मदद से वो सेंटर चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर बाल प्रतिभाओं को गढ़ा जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से 2018 में सिमडेगा को आकांक्षी जिले में शामिल किया गया था। आकांक्षी जिलों में शामिल होने के बाद खेती, महिला सशक्तिकरण, किसान विकास और अन्य क्षेत्रों में काफी विकास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि देश भर के आकांक्षी जिलों में तीसरे पायदान पर सिमडेगा इस वक्त खड़ा है। सबसे पहले तो मैं नीति आयोग का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि वो उन्होंने इस जिले को चुना, इसके एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ। और इस पूरे इंटरेक्शन के दौरान जो है हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, सभी जिलों से कुछ अच्छे एग्जांपल्स को हमने देखा। नई योजना जो लॉन्च हो रही है उससे संबंधित कुछ जिला संबंधित है, जो कुछ पार्टिकुलर इंडिकेटर से बहुत पीछे है उनके लिए था। और कुछ अच्छे हम लोग कहते हैं कि समय समय के साथ जो मोटिवेशन होता है, प्रोत्साहन होता है, वो भी आज वो देखने को मिला है। और पूरे टीम के रूप में सभी को धन्यवाद कहा गया है और इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए भी बोला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।